और दुनिया में कुछ चुनिंदा ही मुल्क हैं जिनके जंगी खाने में हाइपरसोनिक हथियारों की खेप है, और इस फहरिस्त में शामिल हैं रूस और चीन, जिनके पास एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। मगर अब इन देशों की फहरिस्त में अमेरिका भी शामिल हो चुका है, जिसने हाल ही में सरफेस टू एयर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी मैक 7.2 की विध्वंसक रफ्तार के साथ। तमाम मुल्कों को अपने हथियारों की ताकत और कुव्वत दिखाने के लिए अमेरिका ने अब तक की सबसे घातक और सबसे विनाशकारी मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी ब्लू वॉर जोन में। अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्वे में एक विनाशक प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है, जिसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बोल्ट 1B का टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल ने 254 किलोमीटर की उड़ान भरी। आसमान में मिसाइल की रफ्तार मैक 7.2 थी, जिसका मतलब करीब 8,900 किलोमीटर प्रति घंटा। दो सितंबर को अमेरिकी वायुसेना ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को अंजाम दिया और इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें कि आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मानी जाती है, और अमेरिका ने जिस बोल्ट 1B मिसाइल का टेस्ट किया है उसने मैक 7.2 की रफ्तार पकड़ी। बस इसी मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने मिसाइल वर्ल्ड में अपनी धाक फिर से जमा ली। इस अग्निबाण के परीक्षण के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र की रेस में अब अमेरिका का सामना कोई नहीं कर सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले अमेरिका ने आसमान में प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, हालांकि वो सफल नहीं रहा। मगर इसके बाद पेंटागन ने अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी शुरू की। मार्च 2024 में अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। एटमी सबमरीन के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। अमेरिकी राज्य इंडियाना के नेवल बेस पर मिसाइल का टेस्ट हुआ। दावा है कि अंडर वाटर मिसाइल ने मैक 5 की रफ्तार से उड़ान भरी, और अब अमेरिका जमीन से दागे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका का यह हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। इसके एक प्रहार से बैटल ग्राउंड थर्रा जाएगा, और सबसे अहम ये कि मैक 7.2 की रफ्तार से उड़ने वाली इस मिसाइल को कोई रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने सनसनी मचा दी है। क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले तो अमेरिका ने नाटो के देश नॉर्वे में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, और दूसरा ये कि अब तक रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम दिखा रहा था, मगर अब अमेरिका ने भी अपनी जंगी खाने में हाइपरसोनिक मिसाइल की खेप तैयार कर ली। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना एक अल्ट्रासोनिक विमान को तैयार करने में जुटी है। विमान का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका को अल्ट्रासोनिक फाइटर जेट तैयार करने में कामयाबी मिल सकती है, जिसकी लागत करीब $800 मिलियन तक हो सकती है। मतलब ये कि दुनिया के ताकतवर देशों में हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है।
हर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल और लड़ाकू विमान तैयार करने में जुटा है, जो इस बात के संकेत हैं कि जल्द ही धरती पर हाइपरसोनिक हथियारों से महाजंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।